सो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 52.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो अभी से स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 52 रुपीज का, 52 रुपीज का स्टॉक ने एक नीचे में एक बॉटम बना दिया है और यहीं से स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऊपर में पहले जो सपोर्ट लेवल था स्टॉक के अंदर वो 54 रुपीज पे था, जो आप रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं। इस प्राइस के पास स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल था और जब स्टॉक ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है तो अब नीचे में फ्रेश सपोर्ट लेवल बन चुका है 52 रुपीज। ऊपर में अब रुकावट रेंज है, जो पहले स्टॉक के अंदर सपोर्ट लेवल था अब इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज देखने को मिलेगा 54 रुपीज पर। तो ऊपरी लेवल पर जब तक स्टॉक 54 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग नहीं लेता, जब तक स्टॉक एक दबाव में ट्रेड करेगा। अगर ऊपर स्टॉक क्लोजिंग बना लेता है तो स्टॉक के अंदर नेक्स्ट टारगेट 56 रुपीज के बनते हुए नजर आएंगे, जो कि इस पॉइंट पर बनेंगे टारगेट नेक्स्ट है। परंतु अब जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे, आपको स्टॉक के अंदर फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। स्टॉक के अंदर फ्रेश खरीदारी जब ही करें जब स्टॉक 54 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक सपोर्ट लेवल बना लेता है।